भरतपुर, राजस्थान में भरतपुर की खो थाना पुलिस की एक टीम ने थानाधिकारी के नेतृत्व तथा कांस्टेबल रामवीर सिंह 1623 की विशेष भूमिका के बाद पीतल की ईंट को सोने की बनाकर बेचने वाले दो ठगों को 700 ग्राम बजनी, एक पीतल की ईंट व चोरी की एक मोटरसाइकिल यामहा FZ नंबर RJ14 AD 3954 सहित पास्ता मोड़ से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में ठगों ने बताया कि सोने की ईंट सस्ते में खरीदने के लालच में आए व्यक्ति को नकली ईंट में से सैंपल के तौर पर आसपास घास व झाड़ी वाले स्थान पर ले जाकर छेनी से काटकर एक टुकड़ा अलग कर देते हैं, जो छेनी की चोट मारने पर उछलकर दूर झाड़ी में जाकर गिरता है, जिसको तलाश करने का नाटक करते हुए पहले से ही मुंह छुपा कर रखे असली सोने के टुकड़े को ढूंढ कर सोने वाले को दे देते हैं। जो सुनार चेक करवाता है तो वह असली सोना होता है, जिसके सामने वाला विश्वास और गहरा हो जाता है। यदि सैंपल देते समय लालच में आए व्यक्ति के पास पैसे हो तो उसी समय बाकी नकली सोना दे देते हैं। यदि पैसा नहीं है तो अगली बार पैसा लेकर आगे की बात कह देते हैं। गिरफ्तार आरोपियों के नाम मुजाहिद उर्फ मुजी पुत्र ईशव मेव उम्र 27 व राहुल उर्फ मेडू पूर्व आसव मेव उम्र 24 साल निवासी ग्राम भंडारा थाना जुरहला जिला भरतपुर बताए गए हैं। ठगों की गिरफ्तारी के लिए गठित टीम में SHO थाना खो धारा सिंह मीणा, सहायक उप निरीक्षक जितेंद्र सिंह, कांस्टेबल प्रभु सिंह, तारा सिंह, विक्रम सिंह, मनोज अनंतराम, रामवीर व हरवीर चालक शामिल रहे।